भारत में कोरोना से भी तेजी से फैल रहा है वायरस। जी हाँ, H3N2 वायरल बुखार की चपेट में भारत आ चुका है। मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक तमाम राज्यों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एडवाइजरी ICMR द्वारा जारी किया गया है। लोगों से कहा गया है कि लोग भीड़भाड़ वाले इलाके में ना जाए और मास्क का उपयोग करें। कोरोना ने भी फिलहाल टेंशन बढ़ा रखी है। वायरल बुखार की चपेट में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कोरोना वायरस के मरीजों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा वायरल बुखार के केस भी बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इससे कर्नाटक और हरियाणा में एक एक मरीज की मौत हो चुकी है। देश भर में 90 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। वही देश में 67 दिन बाद कोरोना वायरस के एक्टिव केस 3000 से ज्यादा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में H3N2 वायरल बुखार 200% तेज गति से लोगों में फैल रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये कोरोना के जैसे और कोरोना से भी डबल स्पीड में लोगों को संक्रमित कर रहा है। लोग इससे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। सर्दी, बुखार, खांसी, मास्क का उपयोग करने के लिए एक बार फिर से लोगों से अपील की गई है।